हेलो बच्चों आपका हमारे आत्मा एकेडमी चैनल में स्वागत है हम आपको सेट के बारे में बता चुके हैं कि सेट थ्योरी क्या होती है हमने बताया था कि कुछ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को हम लिखते हैं उसको हम सेट कहते हैं इसके बाद उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म उसके बाद उसमें बिलोंग्स क्या होता है कैसे बिलोंग करते हैं कैसे एलिमेंट लिखते हैं ये सब बताया जा चुका है हाँ ये दोनों एक्साइजेस हमने बता दी है और इसका लिंक हमने इसके डिस्क्रिप्शन दे दिया है उसको एक बार देख जरूर लीजिएगा अगर वो पहले से नहीं देखा है तो आज हम अगली एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं और इसके पहले कुछ कंसेप्ट समझिएगा नई नई चीजें यहां पर आएंगी एक यहां पर आता है सबसेट सबसेट हिंदी में इसको कहते हैं उप समुच्चे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देखेंगे इसको अगर तो उनको दिक्कत ना हो देखिए सबसेट क्या होता है जरा समझने की कोशिश करिए अगर दो सेट हैं और एक सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट में हैं एक के सभी एलिमेंट बी बी में हैं लेकिन बी के सभी ए में नहीं है मान लिया ए एक सेट है वन टू थ्री और बी एक सेट है वन टू थ्री फोर तो अगर ए के सभी एलिमेंट बी में हैं तो हम कहेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी ए इज द सबसेट ऑफ बी तो सबसेट को जो इंडिकेट करते हैं वो यहाँ पर ए सबसेट बी अब एक कंफ्यूजन की स्थिति बहुत है एनसीईआरटी में सबसेट के साइन को ये बनाया गया है गलत नहीं है सही है लेकिन साइन आप ये बनाइएगा इसमें क्या होता है इक्वलिटी भी हो सकती है मतलब दो सेट आपस में बराबर भी अगर हैं या यू कहिए हर सेट अपने आप का सबसेट होता है ठीक है तो आप सबसेट का साइन ये बनाइएगा ठीक है क्योंकि ये जो सेट साइन है यह सबसेट का तो है लेकिन पर्टिकुलर कंडीशन का है जिसमें इक्वलिटी नहीं हो सकती यानी प्रॉपर सबसेट का यह तो सबसेट ए सबसेट बी लिखेंगे अब जरा यहां थोड़ी सी बात समझिएगा हमने कहा बताया था आपको इसके पहले कि यह मॉडर्न एलजबरा है ठीक है यहां पर इंडिकेट कैसे करेंगे लिखेंगे कैसे क्योंकि लिखने का इसमें अदा है क्वेश्चन लगाने की इसको लिखेंगे क्या अगर ए सबसेट बी है तो हम क्या कहेंगे इसमें हम कहेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी जरा इस इंप्लाइज के साइन को समझिएगा एक्स मीन एनी एलिमेंट कोई एलिमेंट ए को बिलोंग करता है तो वो एलिमेंट बी को भी करता है ये एरो ये बताता है ठीक है यानी जो एलिमेंट ए में होगा वो एलिमेंट बी में होगा लेकिन हमने यहां पर उल्टा एरो नहीं लगाया है इस एरो को एक तरफ हमने पॉइंट आउट किया है इधर नहीं किया है इसका मतलब एक बी का सभी एलिमेंट ए में है यह जरूरी नहीं है जरूरी नहीं है अगर हो जाएगा तो ठीक है अदरवाइज जरूरी नहीं है ठीक है और अगर ऐसा है तो ये चीज फॉलो करेगी और यह फॉलो करेगी तो ए बी का सबसेट होगा इसको ऐसे लिखा जा सकता है या आप ऐसे लिखेंगे कि ए सबसेट बी इज इक्वल टू एक्स सज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए नहीं ये ना लिखिए सेट के अंदर लिखो कंफ्यूजन की तो ये आपका सबसेट होता है ठीक है एक हमने सिंगलसन सेंसर बताया था जिसमें कि एक एलिमेंट होता है यहां पर एक इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जरा इंटरवल समझिएगा इंटरवल क्या होता है इंटरवल्स अंतराल जरा समझिएगा यहां पर एक लफड़ा यहां पर है होता क्या है कि जैसे हमने आपसे कहा वन से लेकर के फिफ्टी ले तक नेचुरल नंबर या से लेकर के फाइव तक नेचुरल नंबर तो आपने कहा ठीक है हमने कहा वन से फाइव तक रियल नंबर वास्तविक संख्या है। वो बड़ा लफड़ा होती है भाई वन से लेकर वन पॉइंट जीरो 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 अरबो संख्या है आप वन से फाइव तक नेचुरल नंबर तो छोड़िए वन से लेकर के वन पॉइंट वन तक नहीं लिख सकते इतन, इतनी संख्याएं हैं तो हमें वहां पर लिखने के लिए इंटरवल की जरूरत होती है तो इंटरवल दो प्रकार के एलिमेंट यहां पर होते हैं दो प्रकार से लिखते हैं एक होता है ओपन इंटरवल बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये इंटरवल है ये आगे बहुत दिक्कत क्रिएट करते हैं ओपन इंटरवल इसको हिंदी में कहते हैं विवृत्त अंतराल विवृत्त विवृत अब हिंदी वाले से कहेंगे भाई मैं ऐसा विवृत होता है विवृत नहीं विवृत अंतराल या खुला अंतराल खुला अंतराल ये वर्ड याद रखिएगा जरूरत पड़ती है कभी कभी तो ये होता क्या है जैसे आपको वन से लेकर के फाइव तक रियल नंबर चाहिए हमने कहा और नंबर है लेकिन वन और फाइव को छोड़ना है अब वन को छोड़ना है मतलब क्या होता है पॉइंट नाइन 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 सब लेना है वन नहीं लेना है आपको केवल तो हम क्या करेंगे हम लिखेंगे x इज ग्रेटर देन a बट लेस देन b x सच दैट ये ऐसे लिखेंगे हम ये सेट ऐसे लिखा जाएगा x सच that x इज ग्रेटर देन a बट लेस देन b वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर वास्तविक संख्या है ये तो सेट में लिखने का तरीका ग्रेटर मतलब होता है ए से बड़ा कितना बड़ा वन से बड़ा कितना बड़ा वन पॉइंट जीरो 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 वन हो गया बड़ा लेकिन वन नहीं लेना है आपको बिल्कुल वन से सटा हुआ नंबर जो होगा बिल्कुल सटा हुआ वो ले लेंगे लेकिन वन नहीं लेना है तो आपको ए से बड़ा लेना है इक्वल नहीं लगा यहां पर तो जब इंटरवल लिखेंगे हम तो एक ये ब्रैकेट लगाएंगे स्मॉल ब्रैकेट तो ये आप इस प्रकार से ओपन इंटरवल लिखा जाता है ठीक है मैथमेटिकली ऐसे लिखें या ऐसे लिखें दूसरा होता है क्लोज्ड इंटरवल तो बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत होना है आज से लेकर के आगे क्लासेस तक बहुत जगह क्लोज इंटरवल तो वहां बताया जाता होगा आपने पढ़ा होगा फिर कहा जाता है आपको तो पढ़ाया नहीं गया होगा टीचर ने छुड़वा दिया होगा ये बहुत होता है संवृत इसको तो कहते हैं संवृत यानी कि बंद अंतराल बंद अंतराल इसमें क्या होता है कि हमको ए और बी जैसे हमने कहा वन से फाइव तक लेना है वन और फाइव भी लेना है मतलब आपको यहां पर क्या करना है कोई सेट हमने लिया है एक्स सज दैट एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू ए ए भी लेना है आपको आर लेस आर इक्वल टू बी वेर एक्स बिलोंग्स टू वास्तविक संख्या है रियल नंबर तो यहां पर क्या करते हैं ये बिग ब्रैकेट बनाते हैं ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट बनाया जाता है इस प्रकार से यही ब्रैकेट स्टैंडर्ड है यही ब्रैकेट बनेगा ठीक है और तीसरा होता है सेमी ओपन सेमी बने आधा सेमी ओपन कहें या सेमी अच्छा ओपन में कभी कभी क्या होता है उल्टा इस प्रकार से ब्रैकेट बना दिया जाता है ये ध्यान रखिए कभी कभी ऐसा भी होता है तो ये ना समझिएगा प्रिंटिंग एरर है वो गड़बड़ बन गया है गड़बड़ नहीं है वो सही है सेमी ओपन या सेमी क्लोज आधा ओपन है या आधा क्लोज है बात वही है इसमें क्या करेंगे ए इज इक्वल टू मान लेते हैं एक्स दैट हमने ग्रेटर देन ए लिखा यानी ए में इक्वल का साइन यहां नहीं लगाया और लेस आर इक्वल टू बी लिखा तो कहा x क्या है यहां पर रियल नंबर तो यहां क्या करेंगे इधर से ओपन कर देंगे और इधर से क्लोज कर देंगे या इधर अगर इक्वल लगा देंगे तो इधर क्लोज कर देंगे उधर ओपन कर देंगे ठीक है तो ये तो हो गया आपका इंटरवल्स होते क्या है ठीक है यहां पर एक चीज और है नंबर लाइन में कभी कभी क्या होता है जैसे ये नंबर लाइन है संख्या रेखा पड़ी होगी आपने आपको ए और बी यहां दिखाने हैं ए और बी दिखाने हैं और आपको ये वाला दिखाना है क्या ये ओपन यानी ए को नहीं लेना है तो ए को नहीं लेना है तो ए को आप इस प्रकार से ब्रैकेट खुला ब्रैकेट बना दो खुला सर्कल यहां पर खुला बना दो और बीच में इसको डार्क कर दो ठीक है इसका मतलब यह हुआ कि ए बी को छोड़ करके सब पूरा नंबर आपने लिए हैं जैसे इसको दिखाना है आपको नंबर लाइन पे तो ये ए है ये बी है और क्लोज दिखाना है आपको तो यहां पर भी आप इसको डार्क कर दो और बीच में लाइन को भी डार्क कर दो ठीक है अगर आपको यहां नंबर लाइन ऐसी बनानी है यहां पर ए नहीं लेना है तो यहां ए बना दो और यहां डार्क कर दो बीच का नंबर डार्क कर दो ए ओपन हो गया बी नहीं बी लेना है ए नहीं लेना है तो इस प्रकार से ये इंटरवल्स होते हैं ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल ठीक है सेमी क्लोज या सेमी ओपन तो ये तो इंटरवल हो गया जाकर के ठीक है जरा देखिए अब सबसेट दोबारा आते हैं अभी हम उपसमुचय के बारे में बात कर रहे थे हम दोबारा उसी पे आते हैं ये इंटरवल अलग से बता दिया इसका इस्तेमाल होना है एक्सरसाइज में इसलिए हमने बता दिया देखिए सबसेट के बारे में बात करने जा रहे हैं सबसेट उप हमने क्या कहा कि अगर ए और बी ऐसे सेट हैं कि ए के सभी एलिमेंट बी में हैं हमने ये नहीं कहा बी के में ध्यान से समझिएगा एक तरफ आपसे बात कही जाए हमने कहा कि मिस्टर ए को कमरे में नहीं आना है अब मिस्टर बी घुस के आ गए तो क्या कहा जाएगा हमने आपको नहीं बुलाया हमने ये कहा इनको नहीं आना है हमने कहा ए के सभी एलिमेंट बी में है उल्टी बात नहीं बताई बी के में तो आप ये कहेंगे कि ए छोटा है और ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर है हो सकता है बी के बराबर भी हो या बी बड़ा भी हो सकता है ठीक है सबसेट क्या होते हैं एक तो रिक्त समूचे बताया था नल सेट वो सबका सबसेट होता है ठीक है तो जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया हमने एक सेट दे दिया आपको वन और हमने कहा इसके सबसेट बनाओ सबसेट तो एक तो फाइव होगा इसका सबसेट और दूसरा ये खुद अपने आप का सबसेट होगा हमने कहा इक्वलिटी भी हो सकती है दूसरा एग्जाम्पल दिया हमने एक सेट दे दिया वन टू हमने कहा इसके सबसेट बनाओ तो आपने कहा इसके सबसेट बनाने जा रहे हैं उप समुचे बनाने जा रहे हैं तो आपने कहा एक तो फाइव होगा दूसरा वन एक एलिमेंट ले लो वन वन भी इसका सबसेट होगा देखिए ये इसके अंदर है ये एक सेट टू है, ये भी इसका सबसेट है और ये खुद अपने आप का सबसेट है हमने एक एग्जाम्पल तीसरा लिया हमने जानबूझ के दो तीन एग्जाम्पल ले रहे हैं वन टू थ्री <coughs> हमने कहा इसके सबसेट बनाओ आपने कहा एक तो फाइव इसका सबसेट होगा एक वन वन एलिमेंट ले लो वन इसका सबसेट होगा टू इसका सबसेट होगा थ्री इसका सबसेट होगा दो दो एलिमेंट ले लो वन टू इसका सबसेट होगा वन हो। थ्री इसका सबसेट होगा टू थ्री इसका सबसेट होगा और ये खुद अपने आप का सबसेट होगा ठीक है अब हमने क्यों बताया इसको एक तो वही बताना भी था इसमें कितने एलिमेंट है वन नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं दो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने निकले हैं यहां पर दो फॉर्मूला क्या होता है टू की पावर जितने एलिमेंट हैं वन माइनस वन यानी एक मिनट टू पावर एन माइनस वन एक मिनट नंबर ऑफ सबसेट टू फॉर एन माइनस वन वन माइनस अभी बता रहे इसमें कितने एलिमेंट है दो सबसेट टू की पावर सॉरी माइनस वन नहीं होता है टू पावर टू की पावर एन टू पावर टू फोर वो प्रॉपर सबसेट होता है गलती से बता गए इसमें कितने एलिमेंट है दो टू की पावर टू ये एलिमेंट होता है तो कितने सबसेट हो गए ये यहां कितने सबसेट्स हैं नंबर ऑफ सबसेट्स कितने एलिमेंट है थ्री टू की पावर थ्री यानी एट है तो जितने एलिमेंट हो अगर मैं कहूं किसी सेट में एन एलिमेंट हैं, कितने सबसेट होंगे तो आप कहेंगे टू की पावर एन ये सबसेट होंगे वो जो हम बता रहे थे वो प्रॉपर सबसेट होता है वो भी हम बताते हैं समझ में आ गया अब ये रब नहीं करना चाहते हम इसको आगे हम यूज करेंगे एक होता है प्रॉपर सबसेट प्रॉपर सबसेट इसको कहते हैं उप समुच्चय और यहां कहते हैं उचित उप समुच्चय उचित उप समुच्चय इसको लिखते हैं ए सबसेट भी यहां पर यह साइन बनाते हैं देखो तो प्रॉपर सबसेट में क्या होता है इक्वलिटी नहीं होती बराबर नहीं होता जैसे मैंने कहा कि भाई इसका प्रॉपर सबसेट निकालो इसका क्या निकालो दोबारा इसको लिखेंगे हमने कहा इसका प्रॉपर सबसेट निकालो तो आप कहेंगे यहां पर वन नहीं होगा खुद ये अपने का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा अगर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकालेंगे तो क्या होगा नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट प्रॉपर सबसेट तो टू की पावर टू माइनस वन यानी कि टू की पावर एक एलिमेंट है वन माइनस वन जीरो वन होगा ठीक इसमें कितने प्रॉपर सबसेट होंगे तो इसमें ये प्रॉपर सबसेट में वन टू नहीं आएगा इसमें वन टू थ्री नहीं आएगा यानी यहां अगर प्रॉपर सबसेट निकालना चाहें हम तो ये आपका वन टू नहीं आएगा और नंबर कितना होगा टू टू पावर टू माइनस वन यानी कि थ्री हो जाएंगे यहां अगर प्रॉपर सबसे निकालना चाहे इसके तो इक्वलिटी नहीं होगी टू टू पावर थ्री माइनस वन यानी कि सेवन होगी तो ये प्रॉपर सबसेट होगी ठीक है अब प्रॉपर सबसेट में बी को मालूम है कि ए मेरे बराबर नहीं है सबसेट में तो बराबर हो सकता है यहां इसको मालूम है कि भाई साहब आप हमसे हमेशा छोटे रहोगे तो ये फिर नेतागिरी दिखाता है तो बी को यहां कहते हैं सुपरसेट सुपर सेट ठीक है अधि समुच्चे अधि समुच्चय यहां पर नेतागिरी करता है क्योंकि इसको मालूम है ए हमेशा हमसे छोटा रहेगा ठीक है एक यहां पर वर्ड आता है यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय देखिए कोई भी सेट के बारे में बात कर रहे हो तो किसी बड़े सेट से आपने निकाला हुआ अगर आपने कहा वन टू थ्री फोर फाइव तो आपने कहां से निकाला इसको नेचुरल नंबर से निकाला है ना तो नेचुरल नंबर एक बड़ा सा सेट है उसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट यानी किसी बड़े सेट से जिससे ये सेट एलिमेंट निकाले जाते हैं उनको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट तो ये तो फंडामेंटल है इस एक्सरसाइज का अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं वन पॉइंट थ्री बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं बुक निकाल लीजिए आप लोग क्वेश्चन बुक में है हमने बताया भी था अगर ना हो तो आप फिलहाल आप प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर लीजिए देखिए अच्छा एक चीज और हम आपको बता दें बहुत ध्यान समझिएगा अगर कोई सेट लिखा हुआ है यहां कंफ्यूजन बहुत होता है वन टू थ्री तो वन इसका एलिमेंट है तो क्या लिखेंगे वन बिलोंग्स टू ई ठीक लेकिन मान लिया ए लिखा है सेट वन टू थ्री और दूसरा सेट बी लिखा है वन तो अब वन क्या है इसका सबसेट है तो अब अगर यहां वन लिखेंगे तो वन इसको बिलोंग नहीं करेगा वन इसका सबसेट होगा कृपया ये सबसेट यही, जब सबसेट यही बनाओगे यह चोटा चोटा जब, तक जब तक ये इक्वल नहीं हो जाएगा आप सबसेट साइन यही बनाओगे क्योंकि ये से छोटा है छोटा जब तक रहेगा तब तक सबसेट साइन यही बनेगा ठीक है अब क्वेश्चन पे आते वन पॉइंट थ्री बुक से देख लीजिएगा पहला क्वेश्चन देखिए वन पॉइंट थ्री साइज हम डिस्कस कर रहे हैं लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको उसमें सबसेट और नॉट सबसेट बताना है अभी हम बता चुके हैं सेट के सभी एलिमेंट इधर के एलिमेंट उधर होंगे इधर के वो बड़ा होगा बराबर भी हो सकता है तो सबसेट होगा पहला देखिए क्या कह रहा है ये इधर लिखा है टू थ्री फोर इधर लिखा है वन टू थ्री फोर फाइव अब बताइए ये सभी एलिमेंट इसमें है, है तो ये क्या है सबसेट ये नहीं लगा रहे हैं जानबूझ के क्योंकि हमको मालूम है ऐसे छोटा है ये सुपरसेट है दूसरा ए सी और यहां बी सी डी बी सी डी क्या इसके सभी एलिमेंट इसमें है नहीं है देखो ए नहीं है तो ये सबसेट नहीं होगा ठीक है थर्ड पार्ट देखिए एक्स एज दैट एक्स इज द स्टूडेंट ऑफ एलेवेंथ ऑफ योर स्कूल यानी यहां पर ये है एक्स एज दैट एक्स इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास एलेवेंथ ऑफ योर स्कूल एक्स इज द्लास एलेवेंथ ऑफ स्कूल और यह क्या कह रहा है एक्स दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ स्कूल आप देखिए क्लास एलेवेंथ के सभी बच्चे स्कूल में होंगे ठीक है यानी कि यह सभी एलिमेंट इसमें हैं तो यहां क्या लगेगा सबसेट लगेगा इसके बाद कहा गया एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन एक तरफ कहा गया सर्कल इन अ प्लेन देखो इधर जरा ध्यान से समझिएगा इधर की चीज छोटी होगी इधर की चीज बड़ी होगी इसमें कहा गया है एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन एक्स दैट इसका मतलब क्या हुआ इसमें बहुत सारे सर्कल बन सकते हैं अरबों सर्कल बन सकते हैं और यहां इधर कहा गया x इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस वन यूनिट यहां एक छोटा सा सर्कल है ये बड़ा है तो ये सभी सर्कल इसके अंदर नहीं है तो ये सबसेट नहीं होगा उधर का लिख लीजिएगा ठीक है इसके बाद अगला कहा गया एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन इधर ट्रेंगल है उधर रेक्टेंगल है सभी ट्राइंगल रेक्टेंगल फैमिली का होता नहीं है तो वो नहीं है सिक्स में कहा गया एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रैंगल और उधर कहा गया एक्स इज अ ट्राइंगल तो इक्लेटर ट्राइंगल सभी ट्राइंगल के अंदर आता है तो ये सबसेट होगा एक्स इज एन इवन नंबर इधर इवन है और उधर इंटीजर है तो इवन नंबर भाई इधर इवन है तो इवन का मतलब क्या होता है टू फोर सिक्स और इधर इंटीजर है तो इंटीजर में तो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स माइनस वन सभी होंगे तो ये सभी एलिमेंट इसके अंदर रहेंगी तो यहां सबसेट का साइन लगेगा तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सेकंड क्वेश्चन देखिएगा सेकंड में आपको ट्रू फॉल्स बताना है उन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन लगा रखा है उन्होंने कहा एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टू आर फॉल्स जरा समझिएगा इसको कैसे लिखेंगे आप इसके लिए बिलोंग डज नॉट बिलोंग सबसेट नॉट सबसेट ये दिमाग में आपकी बातें होनी चाहिए तभी इसको आप लगा पाएंगे एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू आर फॉल्स देखिए ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसमें लिखा है ए बी एक सेट है और यहां लिखा है ए बी सी ए और कह रहे हैं ये इसका सबसेट नहीं है तब ये तो सबसेट है ये क्या हो गया ये आपका फॉल्स हो गया देखिए ऊपर कट ना रहा हो ये फॉल्स है सेकेंड देखिए क्या कह रहा है इसमें -E है, और इधर कहा गया है एक्स इज एक्स दैट एक्स इज अ अवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। तो इसमें तो आप क्या आएंगे ए आई ओ यू ये इसका सबसेट है, है। पूरे एलिमेंट इसके अंदर होंगे, तो ये आपका ट्रू हो गया थर्ड कह रहे हैं वन टू थ्री और इधर कह रहे हैं वन थ्री फाइव और बीच में साइन लगा रहे हैं सबसेट ये सबसेट नहीं होगा क्योंकि यहां पर फाइव यहां पर एलिमेंट नहीं है इसके सभी एलिमेंट इसमें होने चाहिए तो थर्ड पार्ट फॉल्स हो गया फोर्थ पार्ट आपसे कह रहे हैं इधर दिया इन्होंने ए इधर दिया है एबीसी बी तो भयंकर रूप से सबसेट है ये ट्रू हो गया इधर लिखा है ए अब जरा यहां समझिएगा यहां लिखा है एबीसी कोई सेट किसी सेट को बिलोंग नहीं करता उसका सबसेट होता है ये बिलोंग लगा दिया बिलोंग में एलिमेंट होता है बिलोंग में ए बिलोंग्स टू ए बी सी हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता ये, ये लिखने का तरीका इनका गलत है क्योंकि सेट किसी सेट को बिलोंग नहीं करता इधर कहा है ये सिक्स पार्ट में ये फिफ्थ पार्ट है पार्ट में कहा है एक्स इज एन इवेंट नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स अब लेस देन सिक्स इवेंट नंबर कौन से हैं दो चार एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर तो एक तो वन डिवाइड करेगा टू डिवाइड करेगा थ्री डिवाइड करेगा फोर डिवाइड करेगा सिक्स डिवाइड करेगा ट्वेल्व डिवाइड करेगा नाइन डिवाइड करेगा एटीन डिवाइड करेगा थर्टी सिक्स करेगा और देख लीजिएगा एक आध कोई छोटे हो ये सभी एलिमेंट इसके अंदर है तो इसका सबसेट होगा तो दे ट्रू होगा तो ये सेकेंड क्वेश्चन है ठीक है बहुत सिंपली है लॉजिकल एक्सरसाइज है कोई टफ नहीं है ये देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन देखिए थोड़ा बड़ा बहुत सारे पार्ट दिए इन्होंने थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने एक सेट दिया है ए तो इसका लिखने का तरीका समझिएगा ये ऐसे लिखा है देखो ये जो चीज है ये इसका एलिमेंट है यानी थ्री फोर जो है ऐसे जो लिखा हुआ है ये इसका एलिमेंट है और जब ये खुद में कहीं बंद हो जाता तब सेट बनता है ये ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर दिया हुआ ये जानवी दिया ये फिर ये कह रहे हैं कि बताइए करेक्ट है या इनकरेक्ट है पहला पार्ट ये कह रहे हैं एक सेट है ये सेट नहीं है ये इसका एलिमेंट दिख रहा है ये सबसेट ए है जी नहीं ये बिलोंग करेगा क्योंकि ये इसका एलिमेंट है पूरा समझिएगा अभी हमने कहा था सेट होता है यहां सेट नहीं है ये सेट के अंदर लिखा हुआ है तो ये आपका इनकरेक्ट है क्योंकि ये जो क्यों इनकरेक्ट है क्योंकि थ्री फोर आप कहेंगे यहां पर बिलोंग होना चाहिए क्योंकि उन्होंने कहा इनकरेक्ट है तो क्यों है अब करेक्ट है क्यों है नहीं है अगर इनकरेक्ट है तो क्या गलत है हाँ सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं कि जो थ्री फोर है वो बिलोंग करेगा ये सही है ये करेक्ट है थर्ड पार्ट कह रहे हैं देखिए थ्री फोर अभी एलिमेंट था और इसको बंद कर दिया तो क्या बन गया ये सेट बन गया और ये इसका सबसेट होगा ये करेक्ट है फोर्थ पार्ट देखिए वन ए को बिलोंग करता है कर रहा है एलिमेंट है फिफ्थ पार्ट कह रहे हैं कि वन इज सबसेट ऑफ ए ये सबसेट नहीं होगा वन एलिमेंट है ये बिलोंग करेगा अगर वन करली ब्रैकेट के अंदर होता तब सबसेट होता ठीक है सिक्स पार्ट कह रहे हैं कि वन टू फाइव यह सेट के अंदर ले दिया गया ये इसका सबसेट हो गया सेवेंथ पार्ट कह रहे हैं कि वन टू फाइव बिलोंग्स है बिलोंग्स नहीं होगा ये सबसेट होगा ये होना चाहिए एर्थ पार्ट कह रहे हैं कि वन टू थ्री सबसेट है ए का वन टू थ्री सबसेट नहीं है क्योंकि यहां है ही नहीं ये थ्री नहीं है ये वो एलिमेंट अलग है थ्री फोर एक साथ चलेगा फाइव फाइव ए को बिलोंग नहीं करता इसका कोई एलिमेंट नहीं है लेकिन फाइव एक सेट है जो इसका सबसेट होता है वो सबका सबसेट होता है और अगर फाइव हम अंदर रख दें तो ये सबसेट ए का होगा ये भी गलत है क्योंकि तो कोई एलिमेंट नहीं है क्योंकि तो एलिमेंट हो गया ना फाइव तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है ठीक है फोर्थ क्वेश्चन समझिएगा फोर्थ अभी हम बता चुके हैं थोड़ी देर पहले ये कह रहे हैं कि कुछ सेट दिए हुए हैं इनके सबसेट्स निकालिए फोर्थ है फाइंड राइट डाउन ऑल द सबसेट्स पहला पार्ट देखिए एक सेट है ए और इसके सबसेट्स निकालने हैं तो हमने कहा एक तो इसका फाइव सबसेट होगा यह खुद इसका सबसेट होगा अब आप कहेंगे साहब में आपने इक्वलिटी क्यों लिखी अगर हमसे कह दें कि प्रॉपर सबसेट निकालिए तब आप इक्वलिटी नहीं करेंगे ठीक है सेकेंड पार्ट क्या कह रहे हैं ए बी इसके अलग अलग हैं ये क्या बताया? इसका सबसेट क्या सबसे निकालना है तो फाइव तो खुद सबसेट होगा बस अब यहां पर एक चीज अभी हमने नहीं बताई है अब बताने जा रहे हैं जानबूज के वहां ने बताई थी पावर सेट एक वर्ड आता है देखिए जो सबसेट आपने निकाले जैसे अभी हमने बताया अब हम निकाले दे रहे हैं इसका थर्ड पार्ट जो है सबसेट्स ऑफ वन टू थ्री अभी हम निकाल चुके थे एक तो फाइव इसका सबसेट होगा एक वन इसका सबसेट होगा एक, इसका सबसेट होगा। एक, 3 इसका सबसेट होगा। एक टू इसका सबसेट होगा एक थ्री इसका सबसेट होगा एक वन टू इसका सबसेट होगा एक वन थ्री इसका सबसेट होगा एक वन टू थ्री इसका सबसेट होगा और एक वन टू थ्री इसका सबसेट होगा अगर इन सभी सबसेट्स का एक सेट बना दिया जाए तो इसको कहते हैं पावर सेट ऑफ ए अगर इस सेट का नाम ए है तो ये पावर सेट होता है पी ए मतलब पावर सेट इन्होंने कहा हाउ मेनी एलिमेंट पावर सेट ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू फाइव फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ए इज इक्वल टू फाइव तो इसका सबसेट क्या होगा केवल फाइव तो अगर पावर सेट ऑफ ए निकालेंगे तो इस फाइव को क्या करेंगे आप एक सेट बना देंगे तो कितने एलिमेंट होंगे केवल वन एलिमेंट ठीक है क्वेश्चन और सेव क्वेश्चन में इंटरवल अभी हम बता चुके हैं इंटरवल वाले क्वेश्चन है जरा समझ लीजिएगा इसको इंटरवल में लिखना है आपको हमने कहा था इंटरवल की जरूरत कहां पड़ रही है मजबूरी है जहां पर एलिमेंट रियल नंबर होंगे उसमें एक और दो के बीच अरबों नंबर आते हैं तो उन्हें सभी एलिमेंट लिखना संभव नहीं है तो सिक्स कह रहा है राइट डाउन द इंटरवल देखो क्या कह रहा है पहला पार्ट ये कह रहा है कि एक्स दैट X belongs to R, where x is greater than minus four and less आर equal to six. इसका मतलब समझिएगा माइनस फोर नहीं लेना है तो माइनस फोर में क्या लिखाएंगे ओपन और सिक्स में क्या लगाएंगे क्लोज ब्रैकेट हिसाब से लगना चाहिए ओपन ओपन दिखना चाहिए सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि x सज दैट x बिलोंग्स टू R, x इज ग्रेटर देन माइनस ट्वेल्व एंड लेस देन माइनस टेन ये ध्यान रखिएगा यहां पर इक्वल टू साइन नहीं लगा है यानी ये दोनों तरफ ओपन होगा माइनस ट्वेल्व और माइनस टेन मतलब माइनस ट्वेल्व और माइनस टेन को छोड़ करके इसके बीच के जितने भी रियल नंबर हैं वो सब आपको लेने हैं इसके बाद कहा गया एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो साफ दिख रहा है जीरो आपको लेना है और सेवन आपको नहीं लेना है थर्ड पार्ट है फोर्थ पार्ट क्या कर रहा है इसमें है एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू थ्री एंड लेस आर इक्वल टू फोर वेर एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स यानी थ्री और फोर दोनों लेने हैं तो यहां पर क्लोज इंटरवल लिखा जाए समझ में आया इसके बाद दूसरे में इंटरवल लिखा है और ये कह रहे हैं इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए इंटरवल लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए है सेवेंथ क्वेश्चन इसी में लगाया दे रहा हूं पहला इंटरवल है माइनस थ्री कामा जीरो माइनस थ्री कामा जीरो और दोनों तरफ ओपन इंटरवल है इसका मतलब क्या हुआ दोनों को नहीं लेना है ना तो माइनस थ्री को लेना है तो ग्रेटर देन माइनस थ्री और लेस देन जीरो इक्वल टू नहीं लगेगा समझ में आ गया सेकेंड पार्ट कह रहा है सिक्स कामा ट्वेल्व सिक्स का ट्वेल्व और दोनों तरफ क्या लगा है क्लोज लगा यहां पर तो क्लोज का मतलब यह होता है कि सिक्स और ट्वेल्व दोनों को लेना है तो यह इक्वल टू लगेगा ठीक है अगले पार्ट में कहा गया इन्होंने सिक्स का ट्वेल्व लेकिन दोनों तरफ ओपन लगा दिया मतलब सिक्स और ट्वेल्व दोनों को नहीं लेना है इक्वल टू हट जाएगा अगला है माइनस ट्वेंटी थ्री माइनस ट्वेंटी थ्री फाइव यहां पर क्लोज है यानी यहां पर आपको इसको लेना है और यहां पर फाइव को नहीं लेना है समझ में आ गया ये ओपन है तो ये सेवेंथ क्वेश्चन है एर्थ क्वेश्चन कहा गया कि विच वॉट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज टू ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्स सज दैट एक्स में कह रहा है एक्स सज दैट एक्स इज द सेट ऑफ राइट ट्रेंगल राइट ट्रेंगल मतलब सही ट्रैंगल जी नहीं मतलब जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो और ये कहा गया x एज दैट x इज द सेट ऑफ आइसो सेलेस तो एक्चुअली ये कहां से लिए गए हैं ये सभी ट्राइंगल से लिए गए हैं तो अगर यूनिवर्सल सेट हम करेंगे तो हम कहेंगे x अज दैट x इज द सेट ऑफ ट्राइंगल्स तो यानी कि ये ट्राइंगल से लिए गए बस ये इसके बाद क्वेश्चन नंबर इंथ अपने आप करिएगा एक सेट दिया है वन टू थ्री वन थ्री फाइव बी दिया है टू फोर सिक्स सी दिया है जीरो टू फोर सिक्स एट और और इसमें कुछ नीचे सेट दिए हैं और कह रहा बताओ इसमें यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा तो देख देख लीजिए सर नाइन्थ क्वेश्चन कंफ्यूजन की स्थिति ना हो जरा समझिएगा तीन सेट दिए हैं इन्होंने एक सेट ए दिया है वन थ्री फाइव एक सेट बी दिया है टू फोर सिक्स और एक सेट सी दिया है जीरो टू फोर सिक्स एट और ये कह रहे हैं कि नीचे कुछ सेट दिए गए हैं जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एक सेट ये दिया गया है फाइव दिया गया है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और एक दिया गया है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट कहते हैं इन चारों में से बताओ कौन सा यूनिवर्सल सेट है यानी चारों में से कौन सा सेट है जिसमें से ये निकाले गए हैं भाई इससे आप निकालोगे तो इसमें एट नहीं है तो ये तो हो नहीं सकता इसमें तो ये भिखारी कुछ भी नहीं है छोड़ दीजिए इससे निकालोगे तो हाँ जीरो नहीं है तो ये यूनिवर्सल सेट है ठीक है तो इस प्रकार से ये आपकी एक्सरसाइज हो गई इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट है ओके थैंक यू